न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, रात भर चला सर्च ऑपरेशन। पशु कटान के शक में बुलंदशहर में बवाल, फायरिंग में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। फुटवियर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। 3 दशक बाद भी नहीं जागी सरकार, मौत का मंजर याद कर आज भी कांप जाती है रूह। सिम्बा ट्रेलर रिलीज, दमदार अंदाज में नजर आए रणवीर सिंह। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज स्टेशन पर बम रखे जाने के अनजान कॉल से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन उड़ा देने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दलों ने रात भर गश्त की, पूरी छानबीन की गई, लेकिन स्टेशन पर बम जैसी चीज होने की कोई सूचना नहीं मिली। बुंदेलशहर यूपी के बुंदेलशहर में पशु कटान के शक में लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने चिंगरावठी चौराहे पर हंगामा करते हुए थाना कोतवाली इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की एक वैन में आग लगा दी। धार जिले की औद्योगिक नगरी इलाके में सेक्टर 1 में स्थित फुटवियर की दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। भोपाल, 34 साल पहले आज की सुबह विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 2-3 दिन 1984 की दरमियानी रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी नगर में हुई गैस त्रासदी ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर सिम्बा का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें रणवीर सिंह के जबरदस्त एक्शन अवतार के साथ अजय देवगन का सिंघम अंदाज भी नजर आ रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में ही अजय सिम्बा बने रणवीर सिंह का परिचय कराते दिखाई दे रहे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।